सुरंजन शर्मा को जब हटा दिया गया, उसको टिकट नहीं दिया जा रहा है, एक है तो लोकल आदमी, बात सही है, लेकिन कोई उसको जानता भी नहीं है कि क्या करने वाला है, ना करने वाला है, कहाँ से आया है। उनके द्वारा यहाँ बहुत जनता को आँख बनवाए, बहुत बच्चा को देखवाए, मतलब कि चबूतरा कईयों को बनवाए, कल बहुत सारे पानी पीने के लिए दिया, अब क्या करता है। आप उनके 5 सालों के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? संतुष्ट मतलब नीतीश जी को अपने चेहरे, मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं देखना? ऐसा आदमी पर तो सामने रहला पर हम गोली मार सकते हैं। नीतीश कुमार जी ऐसा क्या कर दिए कि आप उनको गोली मारना चाहते हैं? एकदम जैसे गड़बड़ किए हैं, ये तो सीट बंटवारे में हुआ मिला का, ये राम जन्म थे, वो अपना अधिकार जमा के अपने ले लिए। माननीय अनिल कुमार जी का टिकट धरातल के नेता थे, हम लोग आस लगाए हुए थे उनको टिकट हाँ मिलेगा, और अब टिकट कट गया, तो ये नया चेहरा है, नया युवा है, क्षेत्र में कोई धरातल पर काम नहीं किए हैं, और आगे की स्थिति गार्जियन विक्रम के मतदाता नाखुश है। कहना है उनको बारे में यही कहेंगे कि जितना बैलेट पेपर खरीद लेके जाना है, वोट उनको लेके जाना है, चीनी के बोरा खरीद के आएंगे, उसमें पैक करके ले जाएंगे, वो दूसरा कोई विकल्प नहीं है उनका, दूसरा कोई विकल्प नहीं, वोट तो मारने को जाएगा नहीं उनका, तो चीनी के बोरा में अपना खरीद के ले जाएंगे। नमस्कार, मैं काजल, आप देख रहे हैं प्रयासगंज। अभी हम उपस्थित हैं विक्रम विधानसभा क्षेत्र के अराप गांव में, जहां हम जानेंगे कि इस बार जनता किसे अपना विधायक चुनेगी, और हम यहां इस बार इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। जैसा कि कल बीजेपी ने अनिल कुमार का टिकट काट दिया है, तो यहां की जनता उसके बारे में क्या कहना चाहती है, तो विधायक के रूप में किसे देखना चाहते हैं? को तो यही लगता है कि हम लोग नोटा बटन ज़्यादा पसंद करेंगे, इसलिए कि क्षेत्र बराबर ही जैसे रह रहा है, विक्रम क्षेत्र माने अछूता, कोई काम नहीं हो पाता है, क्षेत्र का कहीं से कोई काम नहीं हो पाता है, इसलिए किसको नेता हम लोग माने कि कौन काम करेगा, जैसे जो जिसको विधायक हम मान लें। आपके समझ में यहाँ के लिए कौन से विधायक अभी के लिए सही थे? अभी तक तो यहाँ हम लोग जब से हुए हैं तब से मैंने शुरू में इस क्षेत्र का कुछ अगर काम किया तो पहले राम जन्म शर्मा किया, वो जब इस क्षेत्र से हट गया तो उसके बाद जो है से अनिल शर्मा आए थे, और अनिल 5 साल विधायक के रूप में रह करके हारने के बाद ही फिर 5 साल जो रहा, बहुत सेवा काम किया, यहाँ तक कि नव विधायक रहते हुए भी इस क्षेत्र में कम से कम 5 गो रोड उसने PWD में कन्वर्ट कराया RO से, तो और काम क्या खोजा जाए। जैसे उस अनिल शर्मा को जब हटा दिया गया, उसको टिकट नहीं दिया जा रहा है, एक है तो लोकल आदमी, बात सही है, लेकिन कोई उसको जानता भी नहीं है कि क्या करने वाला है, ना करने वाला है, कहां से आया है। लोकल होते हुए भी उसको कोई यह से अच्छी तरह से जनता जानती नहीं है, ना जनता के बीच में कभी वो आया है, भले ही राष्ट्रीय लेवल पर जो है से वो अपना संगठन का काम किया हो, लेकिन जनता के बीच में कभी उसने अपना छाप नहीं रूप में किसे देखना चाहते हैं? पिछले जो प्रत्याशी थे अनिल शर्मा, उनको टिकट नहीं मिलने से अब तो सिद्धार्थ को ही वोट दिया जाएगा। सिद्धार्थ जी का पिछले 5 सालों में कार्यकाल कैसा रहा आपके गांव में? बढ़िया रहा। विकास के लिए सिद्धार्थ सिंह आपके गांव में क्या क्या किए? बहुत चबूतरा बनाए हैं, बहुत काम किए हैं, उनके द्वारा यहाँ बहुत जनता को आँख बनवाए, बहुत बच्चा को देखवाए, मतलब कि चबूतरा कईयों को बनवाए, कल बहुत सारे पानी पीने के लिए दिया, अब क्या करते हैं। आप उनके 5 सालों के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। चाचा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कल बीजेपी ने अनिल कुमार का टिकट काट दिया है, इस पे आपका क्या राय है? माननीय अनिल कुमार जी का टिकट धरातल के नेता थे, हम लोग आस लगाए हुए थे उनको टिकट मिलेगा, और अब टिकट कट गया, तो ये नया चेहरा है, नया युवा है, क्षेत्र में कोई धरातल पर काम नहीं किए हैं, और अब आगे की स्थिति गार्जियन विक्रम के मतदाता नाखुश है जी टिकट कटने के कारण से। चाचा, आप अपने जो अभी के विधायक हैं उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पिछले विधायक जो सिद्धार्थ बाबू हैं, एक तो सत्ता से विरुद्ध रहते हुए भी जो जो योजना आया, जो गांवों के मानिन व्यक्तियों को देकर उन्हें अपना योगदान दी, जैसे चबूतरा का निर्माण हुआ, सांसद फंड से निर्माण कराएं, कुछ कुछ बहुत बहुत जगह काम किए हैं, बाकी सरकार से विरुद्ध रहते हुए कांग्रेस की थे, बीजेपी की सरकार थे,
और क्या करते, बीच में अपना स्टेटमेंट भी दिए हैं, मिला जुला कर अपना 5 साल किए हैं। चाचा आपसे इस बार हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार आप बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो बदला जाना ठीक है, नया चेहरा बढ़िया है, चाहे तो वो पार्टी में रहे या ये पार्टी में रहे या रामविलास में रहे, क्यों रहे, बाकी बदलाना जरूरी है। आपके हिसाब से इस बार मुख्यमंत्री का नया चेहरा किसका होना चाहिए? रामविलास के बेटे हैं वो बढ़िया है, चिराग पासवान। चिराग पासवान नया इस बार, मतलब नीतीश जी को अपने चेहरा, मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं देखना चाहते? एकदम ऐसा आदमी पर तो सामने रहला पर हम गोली मार सकते हैं। नीतीश कुमार जी ऐसा क्या कर दिए कि आप उनको गोली मारना चाहते हैं? एकदम जैसे गड़बड़ किए हैं, एक तो सीट बंटवारे में हुआ मिलना चाहिए राम जन्म के, वो अपना अधिकार जमा के अपने ले लिए। विधानसभा से विधायक के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अभी तो कुछ निर्णय नहीं ऐसा हुआ है किसको देखना चाहते हैं, लेकिन जो आ रहे हैं बीजेपी से उनको नहीं देखना चाहते हैं। जी जो बीजेपी से आ रहे हैं उनको नहीं देखना चाहते हैं। नहीं, तो जो बीजेपी ने कल अनिल कुमार का टिकट काट दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना चाहेंगे कि बीजेपी से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ तो बीजेपी की सरकार है नहीं, यहाँ तो सरकार है नीतीश जी का, जेडीयू के, वो जो चाहेंगे सो करेंगे, तो वो जो चाहेंगे तो अभी उनको ही पत्ता काटना है। बीजेपी तो कटेगा तो कटवे करेगा, नीतीश कुमार का भी काटना है हमको अभी पत्ता। मतलब इस बार आप नीतीश कुमार का भी पत्ता काटेंगे और बीजेपी का भी काटेंगे? हाँ, तो इस बार आप अपना वोट किसे देंगे? अपना वोट तो किसको देंगे अभी तो नहीं कहेंगे हम, ये तो नहीं कहेंगे अभी हम। लेकिन नीतीश कुमार को नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। पालीगंज विधानसभा से रामजनन शर्मा वहाँ के विधायक होने वाले थे, उनका टिकट काट करके बच्चा यादव को दिया गया है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत जास्ती हुआ है, सबसे जास्ती हुआ कि वो सीट था बीजेपी के, तो ले लिया जेडीयू, अब इसका मतलब नीतीश हो गया पूरा, पूरा बिहार सरकार जो है से नीतीश के अंडर में रहेगा, जो चाहेगा सो करेगा, इसलिए उनको भी पत्ता कटा हुआ है, उनका भी इस बार पत्ता कटा हुआ है। और मौका नहीं दिए, मौका देते तो अभी दूसरा दल में जाके राम जन्म जिता के दिखाता, जितवा के हम लोग दिखाते, विक्रम क्षेत्र जाके पालीगंज जितवा के दिखाते, लेकिन मौका नहीं दिए उसको। तो आपको क्या लगता है कि ये पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से माले जीत रहा है, वहाँ से माले जीतेगा? हाँ, संदीप सर माले जीतेगा वहाँ से, घटिया आदमी नहीं है मेरा अनिल शर्मा, जमीनी स्तर के नेता है, ये जान रहा है, ये जान रहा था कि हम इस बार जीतेंगे, लेकिन हराना था नीतीश कुमार के, बीजेपी के सीट नहीं लाना है, इसलिए सब नीतीश कुमार कर रहा है। ताकि इस बार अगर अनिल कुमार को भाजपा से टिकट मिलता तो क्या वो सिद्धार्थ को बीट करके आगे निकल जाते हैं? 110% 100% नहीं, 110% लीड करते हैं। 110% आपका इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि आप 110% हाँ 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 100% एकदम 110% से कहीं से भी निकलिए, बराबर जनपारा कहीं या विक्रम क्षेत्र कहीं, आ रही विक्रम क्षेत्र में कहीं अनिल शर्मा के देख लीजिए, सिद्धार्थ का नहीं था लेकिन अब है, अब तो अब आपको क्या लगता है कि अब सिद्धार्थ ही रह जाएंगे? अब तो निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, अब तो निकलेंगे, अब तो कन्फर्म हो गया उनका, अब 40,000 से नहीं 125,000 वोट से जीतेंगे अनिल शर्मा, सिद्धार्थ जी। अतुल कुमार उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनको बारे में यही कहेंगे कि जितना भी बैलेट पेपर खरीद लेके जाना है वोट उनको लेके जाना है, चीनी के बोरा खरीद के आएंगे उसमें पैक करके ले जाएंगे, वो दूसरा कोई विकल्प नहीं है उनके, दूसरा कोई विकल्प नहीं, वोट तो मारने कोई जाएगा नहीं उनका, तो चीनी के बोरा में अपना खरीद के ले जाए वोट, जमानत जब्त रहेगा उनका, जमानत जब्त। विक्रम विधानसभा क्षेत्र के अराप गांव के जनता का राय, और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे प्रयास न्यूज़ से।